नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया पावर न्यूज। जुर्म का पर्दाफाश। इस वक्त की आप खबर देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद से। बरेली में किसानों का अनोखा प्रदर्शन। सर्द मौसम में राम गंगा तट पर पानी में खड़े होकर की पूजा अर्चना। बोले, बिल वापस न होने तक जारी रहेगा प्रदर्शन। यूपी के बरेली में कृषि बिल के विरोध में किसानों ने अनोखा प्रदर्शन किया है। यहां किसानों ने सर्द मौसम में राम गंगा तट पर पानी में खड़े होकर पूजा अर्चना की है। प्रदर्शन करने पहुंचे किसानों ने सरकार पर किसानों का शोषण करने का आरोप लगाया है। वहीं किसानों का कहना है कि जब तक तीनों बिल वापस नहीं लिए जाएंगे तब तक उनका प्रदर्शन जारी रहेगा। आइए देखते हैं बरेली से मोहम्मद आरिफ खान के साथ विशेष रिपोर्ट। आज आप लोग किस मामले को लेकर यहाँ पहुँचे? मैं किसान एकता संघ का मंडल प्रभारी डॉक्टर रवि नागर और किसान एकता संघ के सारे पदाधिकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष सोरन प्रधान जी के निर्देश पर पिछले लगभग 16 दिन से किसानों के समर्थन में बरेली और मुरादाबाद मंडल के अंदर केंद्र सरकार के खिलाफ हमारा धरना और प्रदर्शन चल रहा है। आज उसी संबंध में, क्योंकि लगभग 16 दिन हो गए हैं हमें आंदोलित हुए, सरकार को अपनी बात पहुंचाते हुए, लेकिन अब हमें ये महसूस होने लगा है कि ये अहंकारी सरकार, ये निरंकुश सरकार है, जो बिल्कुल अंकुश से बाहर हो चुकी है, जो अहम में डूबी हुई है, उसको गंगा मैया के पास आकर, क्योंकि किसान जब जब परेशान होता है तो उसे गंगा मैया ही ऐसा लगती हैं कि मुझे आज गंगा मैया की शरण में जाना चाहिए और गंगा मैया ही मेरी कष्ट का निवारण करेंगी। आज देश का किसान कष्ट में है, परेशानी में है। आज देश के किसान गंगा मैया के शरण में आकर हम लोगों ने गंगा मैया से ये प्रार्थना की है कि हे गंगा मैया, इस निरंकुश सरकार को, इस अहंकारी सरकार को, ऐसी सरकार को जो देश के अन्नदाता को बर्बाद करना चाहती है, जो देश के अन्नदाता को सड़क पर लाना चाहती है, जो देश के अन्नदाता को उसकी जमीन से बेदखल करने के कानून बनाना चाहती है, ऐसी सरकार को गंगा मैया सद्बुद्धि दो और ये निरंकुश और अहंकारी सरकार जो आंदोलित किसान हैं पिछले 16 दिनों से, उनकी मांगों को माना जाए, तीनों कानूनों को तत्काल वापस ले ये सरकार, गंगा मैया ऐसी सद्बुद्धि इस सरकार को दे दे। तो इन्हीं बातों को लेकर आज हम यहाँ सभी पदाधिकारी इकट्ठे हुए हैं और गंगा मैया से प्रार्थना की है और गंगा मैया की पूजा की।